नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त दो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से गैरसैंण में शुरू हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार की घेराबंदी के लिए रणनीति तैयार कर ली है। 13 मार्च को पार्टी गैरसैंण में प्रदर्शन और विधानसभा का घेराव करेगी। उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी गौतम अडानी मामले की जेपीसी से जांच कराने, जोशीमठ के प्रभावितों के लिए राहत पैकेज और भर्ती घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने के साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगी। इतना ही नहीं, पार्टी साल में 6 महीने सरकार का संचालन गैरसैंण से करने की मांग भी करेगी। साथ ही पार्टी देहरादून में युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर भी प्रदर्शन करेगी। उत्तराखंड में 13 तारीख से विधानसभा का जो बजट सत्र है वो गैरसैंण में सरकार आहूत कर रही है और राज्यपाल वहां पर 13 तारीख को अभिभाषण भी पढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय स्तर से पहले ही राजभवन घेराव का कार्यक्रम तय है और उत्तराखंड में जिस प्रकार से राज्य की जनता मातृशक्ति लगातार बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग कर रही है, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हुआ है और बेरोजगार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, राज्य में कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, राज्य में विकास नाम की चीज अब दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, राज्य के सभी गंभीर मुद्दों पर और महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी गैरसैंण में विधानसभा सत्र का घेराव करेगी और प्रदेश स्तर पर जनपद स्तर पर इसकी पुरजोर तैयारियां पार्टी कर रही है और 13 तारीख को निश्चित तौर पर विशाल प्रदर्शन गैरसैंण में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में 13 तारीख से विधानसभा का जो बजट सत्र है वो गैरसैंण में सरकार आहूत कर रही है और राज्यपाल वहां पर 13 तारीख को अभिभाषण भी पढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और जिस तरह से विपक्ष की तैयारियां चल रही हैं उसके बाद ये साफ है कि उत्तराखंड विधानसभा का ये सत्र हंगामेदार रहेगा। विपक्ष सरकार पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की अनदेखी करने का आरोप लगातार लगा रहा है, जिस पर उत्तराखंड बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बीजेपी सरकार ने ही घोषित किया था और उसी के मुताबिक गैरसैंण के विकास का ढांचा तैयार भी किया जा रहा है। सीएम धामी लगातार पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने अपनी 10 साल की सरकार के दौरान गैरसैंण और पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ खनन माफिया और शराब माफिया को बढ़ावा देने का काम किया था। वहीं उन्होंने बजट पर बोलते हुए कहा कि सभी वर्गों से फीडबैक लेकर बजट को तैयार किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बजट में समग्र विकास की तस्वीर देखने को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि केवल आरोप लगाने की आदत पड़ गई है, राज्य के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है और मुझे लगता है कि उन्हें ध्यान नहीं है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी इस राज्य की भारतीय जनता पार्टी ने ही गैरसैंण को घोषित किया है। अब पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि गैरसैंण को किस तरह से जो अवधि 6 माह या अथवा जितनी भी अवधि है उस माह में वहाँ राजधानी रहे, इसके लिए किस तरह से वहाँ का ढांचागत विकास हो, इसके लिए पूरी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। पूरे प्रयास के साथ समग्र विकास किया जा रहा है। राज्य पर्वतीय अवधारणा पर बना है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कृत संकल्प है कि जो दूरस्थ क्षेत्र में बैठे हुए, हिमालय के दूरस्थ क्षेत्र में बैठे हुए लोग हैं, उनका विकास कैसे हो, इसलिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने समय में जो 10 साल इस राज्य को केवल लूज खटोस में बर्बाद किए हैं, केवल उन्होंने जो है उत्तराखंड में पलायन बड़ा मुद्दा है। समय समय पर सरकारों की ओर से पलायन को रोकने के लिए कोशिशें भी की गई, लेकिन फिलहाल सभी कोशिशें नाकाफी साबित होती हुई नजर आ रही हैं और पलायन के मुद्दे पर उत्तराखंड में केवल सियासत ही देखने को मिल रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने भी पलायन के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिस्ट ने ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के हवाले से कहा है, जो राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है उसमें 3 जिलों में सबसे ज्यादा अस्थायी पलायन हुआ है। अल्मोड़ा में 1090 गांव से 54,519, टिहरी गढ़वाल में 906 गांव से 41,359 और पौड़ी गढ़वाल के 1057 गांव से 29,093 लोगों ने अस्थायी पलायन किया है।
उन्होंने बताया कि देहरादून, चंपावत और बागेश्वर के गांवों से कम पलायन हुआ है, जबकि हरिद्वार के रुड़की ब्लॉक में सिर्फ 6 गांव में से सबसे कम 250 लोगों ने पलायन किया है। तो पलायन का दंश उत्तराखंड लंबे वक्त से झेलता आ रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये बड़ी परेशानियां हैं जिसकी वजह से उत्तराखंड के युवा पलायन करते हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके इसलिए बच्चों के साथ परिवार पलायन करते हैं, लेकिन अब सरकार की ओर से तमाम कोशिशें जरूर की जा रही हैं और इस मुद्दे को लेकर सियासत भी खूब गर्माती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड राज्य में पलायन एक बड़ी समस्या के रूप में है और राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। 2018 से 22 तक की जो पलायन आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, उसमें पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा जनपदों से पलायन बड़ी भारी मात्रा में हुआ है। यहाँ से बड़ी भारी संख्या में गांव के गायों मानव रहित हो रहे हैं, जो राज्य के लिए बड़ी समस्या के रूप में है। और पलायन अगर इसी रफ्तार से राज्य में होता रहा तो एक न एक दिन उत्तराखंड में जनसंख्या असंतुलन का भी खतरा पैदा होगा और गांव के गांव जब इसी तरह लोगों से खाली होते रहेंगे तो उत्तराखंड के विकास पर और निश्चित तौर पर जो है सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण जो है सुरक्षा की दृष्टि से भी एक चुनौती के रूप में ये बात सामने आ रही है। उत्तराखंड राज्य में पलायन एक बड़ी समस्या के रूप में है और राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। 2018 से 22 तक की जो पलायन आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, उसमें पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा जनपदों से पलायन बड़ी भारी मात्रा में हुआ है। यहाँ से बड़ी भारी संख्या में गांव के गायों मानव रहित हो रहे हैं, जो राज्य के लिए बड़ी समस्या के रूप में है। और पलायन अगर इसी रफ्तार से राज्य में होता रहा तो एक न एक दिन उत्तराखंड में जनसंख्या असंतुलन का भी खतरा पैदा होगा और गांव के गांव जब इसी तरह लोगों से खाली होते रहेंगे तो उत्तराखंड के विकास पर और निश्चित तौर पर जो है। अब बात उत्तराखंड में बिजली संकट की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड में बिजली संकट ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। सरकार की ओर से कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। दरअसल राज्य में इस साल बारिश कम होने और गैस से चलने वाले बिजली उत्पादन केंद्रों के बंद होने से बिजली संकट गहराता नजर आ रहा है। आलम यह है कि अभी भी राज्य में बिजली उत्पादन और सेंट्रल पूल कोटे की बिजली को मिला दिया जाए तो भी राज्य के लिए बिजली कम पड़ रही है। लिहाजा राज्य की नजर उन बंद पड़े उत्पादन केंद्रों पर है जो गैस की मदद से चलते हैं और जिनको चलाया जा सकता है। राज्य की ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि राज्य सरकार बिजली संकट से उबरने के लिए राज्य में गैस आधारित बिजली प्लांट पर काम कर रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस के रेट अभी भी ज्यादा हैं। उम्मीद है कि जल्द गैस के रेट कम होंगे और बिजली उत्पादन कर सप्लाई कर सकेंगे। वहीं सरकार भी बिजली संकट से उबरने के लिए कवायद कर रही है। कई बंद पड़ी बिजली परियोजनाओं को शुरू करने का काम किया जा रहा है। राज्य में बंद पड़ी 300 मेगावाट की लखवाड़ बिजली परियोजना का काम भी शुरू हो चुका है। इस बार विंटर रेनफॉल कम हुई है, हालांकि 1 अप्रैल के बाद ग्लेशियर के पिघलने की वजह से नदी में जलस्तर बढ़ जाता है, तो 1 अप्रैल के बाद हमारी जो हाइड्रो पावर जनरेशन है वो नॉर्मलसी पे आ जाएगी, लेकिन नॉर्मल जनरेशन करने के बावजूद हम लोग अभी डेफिसिट में है। तो ये डेफिसिट अलग अलग टाइप के हैं, कुछ तो नॉन पीक पीरियड में 500 मेगावाट तक की डेफिसिट रहती है और पीक पीरियड में ये बढ़ करके 800 मेगावाट तक चले जाते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म टेंडर्स हम लोगों ने किया था, उसमें हम लोग कुछ ले रहे हैं और जो 300 मेगावाट भारत सरकार ने अभी अलो किया है और गैस प्लांट को चलाने की जो कोशिश है, इन सबसे हट करके एक मीडियम टर्म टेंडर भी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी समय समय पर हम लोग रियल टाइम मार्केट या डे अहेड मार्केट के माध्यम से भी इस डेफिसिट को एड्रेस कर। इस बार विंटर रेनफॉल कम हुई है, हालांकि 1 अप्रैल के बाद ग्लेशियर के पिघलने की वजह से नदी में जलस्तर बढ़ जाता है, तो 1 अप्रैल के बाद हमारी जो हाइड्रो पावर जनरेशन है वो नॉर्मलसी पे आ जाएगी, लेकिन नॉर्मल जनरेशन करने के बावजूद हम लोग अभी डेफिसिट में है। तो ये डेफिसिट अलग अलग टाइप के हैं, कुछ तो नॉन पीक पीरियड में 500 मेगावाट तक की डेफिसिट रहती है और पीक पीरियड में ये बढ़ करके 800 मेगावाट तक। उत्तराखंड में इस साल के आखिर में निकाय चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने स्थानीय मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने की बात कही है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यूकेडी कोटद्वार में भी
स्थानीय और बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगी और यूकेडी पर अपना भरोसा जताएगी। तो उत्तराखंड क्रांति दल को उम्मीदें बड़ी हैं, लेकिन क्या उत्तराखंड क्रांति दल को जनता का समर्थन मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उत्तराखंड में रेशम कीट उत्पादन करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड सरकार की ओर से ऐसे किसानों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। रेशम से जुड़े किसानों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार ने रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ किया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस बीमा योजना का शुभारंभ किया, जिसके जरिए उत्तराखंड में ऐसे किसानों को फायदा पहुंचेगा। करीब 12,000 किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। रेशम कीट बीमा योजना के साथ साथ उत्तराखंड में किसानों की आय दोगुनी करने और उनके जोखिम को कम करने के लिए पशुपालन और अन्य उत्पादों को लेकर भी किसानों को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शुरुआती चरण में देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिलों को इसका लाभ मिलेगा, फिर इसे धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से आगे भी बढ़ाया जाएगा। एसए की अध्यक्ष व चेयरमैन गिरजा जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस योजना का शुभारंभ देवभूमि उत्तराखंड से किया है और इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधम सिंह नगर चार जिलों को इसमें लिया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 250 किसानों को इससे जोड़ा गया है और हमने घोषणा की है कि शीघ्र ही इसको हम प्रदेश के जो 12,000 हमारे किसान हैं उनका प्रीमियम हमारी सरकार देगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और ये योजना का शुभारंभ देवभूमि उत्तराखंड से हो रहा है और मुझे पूरा भरोसा है इसके बाद पूरे देश में ये योजना लागू होगी और हमारे रेशम जो कीट पालक हमारे भाई हैं, भाई बहन जो इस पर काम कर रहे हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। मैं इस योजना के लिए इन अधिकारियों को भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उसके लिए उन्होंने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को चुना और उसका शुभारंभ यहां से किया। एसए की अध्यक्ष व चेयरमैन। उत्तराखंड के विकास नगर में किसान परेशान हैं। दरअसल किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है, लेकिन किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। विकासनगर तहसील के कल्याणपुर सभावला में किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। कल्याणपुर गांव में नहर के पानी के सहारे खेती करने वालों की परेशानी बढ़ गई है। नाराज किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की है। किसानों का कहना है कि उनके खेतों में सिंचाई के लिए विभाग ने नहरें और गूल तो बना दिए हैं, लेकिन उनमें कई महीनों से पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी फसल बर्बाद हो रही है। अगले एक हफ्ते तक सिंचाई की व्यवस्था ना होने से किसानों को फसल पूरी तरह से बर्बाद होने का डर सता रहा है। किसानों ने सिंचाई विभाग से विकल्प के तौर पर सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाने की भी मांग की है। पानी के लिए इकट्ठा है, हमारे यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है और यहाँ पे बहुत ही तगड़ी समस्या हो रखी पानी की। पानी आता है ऊपर सिंगनी वाला से तो उसको पीछे रोक दिया जाता है, वहाँ पे ताले लगाते हैं, वो लोग ताले तोड़ लेते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैडम को फ़ोन करते हैं, मैडम ही बोलती है कि आपकी खेती है वहाँ पे अकेले बंदे की, तो हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारी गेहूँ भी ख़राब हो चुकी है और यहाँ पे समस्या ट्यूबवेल की है। ट्यूबवेल हम लोगों को ज़रूर चाहिए और यहाँ पे फसल बहुत ही बर्बाद हो चुकी है। पिछली बार धान की फसल हमारी बर्बाद हुई और बगीचे हमारे खराब हो रखे हैं, इसलिए हम ट्यूबवेल की मांग करते हैं, हमको ट्यूबवेल बहुत ही अवश्य है। आप ये चाहते हैं कि अगर मतलब नहर का पानी ना आए तो आपको ट्यूबवेल? जी बहुत जरूर चाहिए हमको ट्यूबवेल। ये तो आपने कभी शिकायत करी इस चीज की? शिकायत मैडम से पानी के लिए बोला हमने, अभी पास हुआ था ट्यूबवेल, वो पेयजल में डाल दिया। पेयजल का यहाँ पे पहले भी ट्यूबवेल है, सबको पानी मिल रहा था पीने का, तो दूसरा ट्यूबवेल जो पास हुआ वो भी पेयजल में डाल दिया और दो ट्यूबवेल और पेयजल के चल रहे हैं। पानी के लिए इकट्ठा है हमारे यहाँ पर। UJVNL की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अवैध कब्जाधारियों को बाकायदा डेडलाइन भी दी गई है, जिसके बाद अवैध कब्जाधारियों के सर से छत गायब होने का खतरा मंडराने लगा है।
दरअसल परियोजना क्षेत्र डाकबद्दर से लेकर गुलहाल तक करीब 15 किलोमीटर के दायरे में शक्ति नहर के दोनों ओर विभागीय भूमि पर जहां पहले कच्चे और झोपड़ी नुमा कब्जे हुआ करते थे, वहां पर अब पक्के मकान और दुकानें बन गई हैं। परियोजना क्षेत्र में पहले यह जमीन सिंचाई विभाग के अधीन थी, लेकिन उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अस्तित्व में आने के बाद यह जमीन निगम को ट्रांसफर कर दी गई। वहीं अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए भूमि सीमांकन कर अवैध कब्जों पर रेड मार्क भी लगाया गया था। करीब 400 से ज्यादा लोगों को 2 से 3 बार नोटिस भी भेजा गया, लेकिन अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। बहरहाल विभाग ने अवैध कब्जाधारियों को 11 मार्च तक की डेडलाइन दे दी है। खबर मंगलौर से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और मंगलौर देवबंद रोड को जाम कर दिया। बता दें कि मामला मंगलौर के लहबोली गांव का है। लोगों के हंगामे की जानकारी मिलते ही सीओ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने दोनों युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। रुड़की से हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों के साथ नहाने गया युवक गंगनहर में डूब गया था, जिसकी तलाश भी की गई लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका है। तो 2 दोस्तों के साथ गंगनहर में नहाने गया युवक विनय पानी के तेज बहाव में बह गया था। किनारे बैठे दोस्तों ने शोर भी मचाया लेकिन युवक को बहने से नहीं बचा सके। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश भी की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। फिलहाल पुलिस ने युवक के दोनों दोस्तों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। एक और हादसे में भी 2 दोस्तों के साथ गंगनहर में नहाने गए शेखपुरी के राजेश पानी के तेज बहाव में बह गए। उनकी भी काफी तलाश की गई लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। देहरादून में एक दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू भी पा लिया गया है लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। तो दिलाराम बाजार में राज प्लाजा के 3rd फ्लोर पर आग लग गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। बताया जा रहा है कि दुकान विजय केवड़िया की है, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर भी बना हुआ है। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।